सभी किसान भाइयों को नमस्कार। ये क्वेश्चन बार बार निकल के आ रहा था कि भिंडी की जो वेराइटियाँ हैं, किस वेराइटी का चयन कर सकते हैं हम आने वाले समय में, क्योंकि इस वर्ष जो है उसमें क्लाइमेट चेंजेस के कारण बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहे थे, तो उसके कारण जो फ्लावर ड्रॉपिंग है, फ्रूट सेट नहीं होने की समस्या, और कुछ भी प्रोडक्शन प्रति एकड़ अगर अपन बात करते हैं तो कुछ उत्पादन नहीं मिल रहा है बहुत सारी वेराइटियों के लिए। तो उस हिसाब से हम आने वाले समय में किस वेराइटी का चयन कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमपी फार्मर यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो। तो जानते हैं ये जो वेराइटी है ये कौन सी है। ये श्रीराम की 2110 वेराइटी है जो आप वीडियो में देख रहे हो। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो ब्रांचेस है वो भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है, और प्रोडक्शन की बात करें तो 35 to 45 डेज में ही ब्रांचेस स्टार्ट हो गई थी। और ऊपर जो फ्लावर है तो उसमें भी भिंडी तैयार हो रही है, ओकरा हमारी जो है, और ब्रांचेस में भी। तो प्रोडक्शन की दृष्टि से अगर बात करें तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन है इसका। आज की कंडीशन में इसका 6 क्विंटल प्रति एकड़ प्रोडक्शन निकल के आ रहा है। वैसे 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ निकलता है, लेकिन इस जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसमें भी इसका जो प्रोडक्शन है, तेज ठंड गिर रही है उसके बावजूद भी इतना प्रोडक्शन हो रहा है। बहुत सारी वेराइटियाँ हैं जो 1 एकड़ पे 2 क्विंटल, 1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल, 2.5 क्विंटल अलग अलग निकल रही है। लेकिन आप ये जो एक वेराइटी देख रहे हो, इसका आप बेनिफिट ये भी है कि जो मज़दूर हैं वो आसानी से इसको भिंडी को देख पाते हैं, तो मज़दूरी भी कम लगती है। बीमारियों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, तो बहुत कम मेंटेनेंस में बहुत अच्छा अपन उत्पादन इसमें ले सकते हैं। ये है श्रीराम 2110 की खूबियाँ। तुड़ाई में बहुत अच्छी है, बहुत कड़क नहीं टूटती है, और क्वालिटी में भी उंगली के समान, फिंगर के समान क्वालिटी रहती है, तो मार्केट में भी बहुत डिमांड रहती है इसकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।